वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट आंसर का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका यूनिट फर्स्ट है, यूनिट आपका फर्स्ट है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी, ठीक है, शॉर्ट आंसर की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है HCl में बंध लंबाई कितनी है, 1.275 एंगस्ट्रॉम कितनी है? ये जो HCl का जो बॉन्ड होता है इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी दे रखी है आपको, 1.275 एंगस्ट्रॉम कितनी है, 1.275 एंगस्ट्रॉम ये दे रखी है, ठीक है। मतलब इतनी होती है, वो कह रहा है प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इसके बीच में जो डायपोल मोमेंट है वो कितना कैलकुलेटेड किया गया है, इतना 1.03, कितना 1.03, ये आपका मतलब प्रेक्षित है, प्रयोग द्वारा ये पता किया गया। कह रहा तो प्रतिशत आयनिक लक्षण कितना होगा, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है HCl के पूर्ण आयनन पर, यानी कि जो HCl है उसके पूर्ण आयनन पर, यानी कि इसको जब हम डिजोल्व करेंगे वाटर में तो ये क्या बन जाएगा, प्लस और Cl माइनस, ये फुल्ली क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण आयनन पर क्या होगा, आवेश कितना होगा, 4.80 -10^-9 ESU कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। हाइड्रोजन पर आपका इतना आवेश आ जाएगा, 4.80 × 10⁻¹ ESU, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या होता है, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है ये। और Cl पर, तथा Cl पर आवेश आपका कितना हो जाएगा, 4.80 × 10⁻¹⁰ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। करा इसलिए परिकलित, यानी कि कैलकुलेटेड, ये कैसा है आपका प्रेक्षित, ठीक है, प्रेक्षित मतलब प्रायोगिक मान है, ये कैसा है परिकलित, इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू। कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा आपका, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए परिकलित द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ये हो जाएगा आपका ई इंटू डी, क्या ई क्या है आपका आवेश और डी क्या है डिस्टेंस, ठीक है, क्या है डिस्टेंस या लंबाई, ठीक है, लंबाई HCl बॉन्ड की लंबाई। तो यहाँ से निकाल लो, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4.8 × 10⁻¹⁰ × 1.275, ठीक है, × 10⁸ सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.12 के आसपास आ जाएगा, ठीक, 6.12 × 10⁻¹⁰ कितना आ जाएगा आपका 8। इसके बाद ये आपका आ जाएगा 6.12 D, ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, ठीक। ये आ गया आपका कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, परिकलित मान लिख दो यहाँ पर, परिकलित मान इसका द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, ये परिकलित मान आ गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है आयनिक प्रतिशत आयनिक गुण, ठीक है, यानी कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए, आयनिक करेक्टर निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका होता है प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है, प्रेक्षित द्विध्रुव, सॉरी, द्विध्रुव, और ये आपका हो गया आघूर्ण, प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण, और नीचे क्या होता है आपका परिकलित, क्या होता है, परिकलित द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, प्रेक्षित, प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण बटे परिकलित द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, और ये 100 कर दो परसेंटेज के लिए, ठीक है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा,
नीचे प्रचलित वैल्यू कितनी आई थी, ये हमने प्रचलित वैल्यू निकाली थी, ये आया था 6.11 D, ठीक है डी वाई, यहाँ लिख दो 6.11 D। तो इससे जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, ये इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा 17%, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 17% आ जाएगा, क्या परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।